नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चला है 100 शहर की खबरों को जान लेने का। ये शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सिवान के पचरुखी में जमीन को लेकर के पुलवारा गांव में दो भाइयों के बीच खूनी जंग देखा गया, इसमें तीन महिला समेत सात लोग घायल हुए। सिवान में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट आई हुई, इसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायल मरीजों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। विक्रम के नौबतपुर में खेती के लिए गए दो गोतिया के बीच झड़प हुई है, इसमें तेज हथियार से एक ने दूसरे को घायल कर दिया। बेगूसराय में जेडीयू विधायक नरेंद्र सिंह ने अधिकारियों पर कोरोना संक्रमण के दौर में लापरवाही बरतने का और कमीशनखोरी का आरोप लगाया। आरा में सीएससी वाले ग्रामीणों से पैसे निकासी के एवज में प्रत्येक शख्स से 100 रुपए लिया जा रहा है, जिसे लेकर के सीएससी सेंटर में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पटना पुलिस ने बाबा ज्वेलर्स के मालिक की हत्याकांड में चार शूटर को गिरफ्तार किया है। छपरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, इसमें ट्रक समेत डेढ़ बीघा फसल जल करके खाक हो गई। सिवान पुलिस ने 12 अप्रैल को हुई लूटकांड का खुलासा किया और हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सासाराम में लॉकडाउन के दौरान जेडीयू विधायक वशिष्ठ सिंह लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। विधायक ने करहगर के अलावा कोचस में लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। समस्तीपुर के रोसड़ा में पीडीएस दुकानदार की मनमानी और जन वितरण प्रणाली दुकान पर ताला लटके रहने से लाभुकों ने दुकान के पास जमकर हंगामा किया। भोजपुर में बेटी को बचाने के लिए एक मां ने अपनी जान कुर्बान कर दी, बेटी खेलते कुएं में गिर गई। कैमूर में पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी पहले भी गांजा बेचने के मामले में जेल जा चुका है। मुंगेर के खड़गपुर में चोरों ने एसबीआई एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। बिहार में अभी तक कुल 66 कोरोना केस सामने आए, 66 में से 29 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। बिहार में एक्टिव कोरोना केस की बात करें तो फिलहाल 36 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। सिवान में 29, बेगूसराय में 8, मुंगेर में 7, पटना गया में 5-5, गोपालगंज नवादा नालंदा में 3-3, जबकि सारण लखीसराय भागलपुर में 1-1 मामले सामने आए हैं। नालंदा के सोसराय थाना इलाके में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, युवक कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटा था। कोरोना महामारी को लेकर के छपरा से अच्छी खबर, सारण में एकमात्र कोरोना पीड़ित के लगातार 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया। पटना में विदेश से आए 17 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, किर्गिस्तान कजाकिस्तान और मलेशिया से टूरिस्ट वीजा पर पटना पहुंचे थे। मसौढ़ी में विदेश से लौटे 20 लोगों की चिकित्सा विभाग स्क्रीनिंग कर रही है, स्क्रीनिंग से पहले सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया जा चुका है। मोतिहारी में लॉकडाउन के बीच प्रशासन अब बेसुबा जानवरों के लिए भी खाने और दवा का इंतजाम कर रही है। जमुई में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर प्रधानमंत्री के आदेश का ग्रामीण पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं। पटना में कोरोना चेन तोड़ने पर हर वार्ड के घर का सर्वे किया जा रहा है, इसके लिए पटना में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लखीसराय में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर के एसपी सुशील कुमार खुद सड़क पर उतरकर लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। बेतिया में लॉकडाउन पालन को लेकर के डीएम कुंदन कुमार और एसपी निताशा गुड़िया ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। नालंदा में सोसराय थाना इलाके के खासगंज मोहल्ले में एक युवक में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस इलाके को सील कर दिया गया। मुंगेर में चौक विजय नगर चौक और चमगड़ा मोड़ पर रंगकर्मी के कलाकारों ने कोरोना और यम बना करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। लॉकडाउन की तारीख बढ़ने के बाद इसके पालन के लिए मुंगेर जिला प्रशासन ने बीएमपी 7 कटिहार से एंटी राइट बटालियन की एक कंपनी को मुंगेर में उतारा है।
सहरसा में लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़क पर मटर गश्ती करने सड़क पर निकले लोगों पर सहरसा पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। गया में जमातियों को जेल भेजने का मामला सामने आया, जिस पर कृषि मंत्री ने कहा है कि राजनीतिक दलों के द्वारा सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। गया में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित किया, इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लॉकडाउन में छपरा से एक दुख भरी हुई खबर सामने आई, पत्नी की मौत के बाद बेटी ने उसका क्रियाक्रम किया, उसका पति और बेटा मध्य प्रदेश के इंदौर में फंसे हुए हैं। कैमूर जिले के NH2 के रास्ते को प्रशासन ने सील कर दिया है, बिहार और यूपी बॉर्डर के सील होने के बाद प्रवासी मजदूर नदी के रास्ते बिहार पहुंच रहे हैं। सारण में एक मार्च कोरोना पीड़ित के लगातार 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे होम क्वारंटीन किया गया। मुंगेर में लोगों के बीच राशन का वितरण हुआ, जमालपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के लिए मास्क का वितरण किया गया। विक्रम में भटक रही एक अज्ञात महिला को नगरवासियों ने स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया, गुजरात से महिला के भटक कर आने की संभावना जताई जा रही है। पटना में लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती को लेकर के आरजेडी अपनी ही घोषणा पर अमल नहीं कर पाई है। आरजेडी ऑफिस में आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में पार्टी का ही कोई नेता नहीं पहुंचा। पार्टी के सिर्फ 2 महासचिव और सिपर ने मिलकर के अंबेडकर जयंती मनाई है। यह योजना निर्धारित समय से पहले ही कर लिया गया था, 10 बजे की जगह 9 बजे जयंती मना ली गई। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं, बैसाखी पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं उन्होंने दी थी। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। आरजेडी मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान, कहा लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर हमें आपत्ति नहीं, लेकिन बिहार के बाहर फंसे लाखों लोगों के बारे में पीएम सोचे। कटिहार में पुलिस वाले अपने गश्ती वाहन में भोजपुरी गाने के जरिए लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों पर कई गाने अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। मसौढ़ी में लोक संगीत के कलाकार लगातार सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, भोजपुरी और मगही संगीत के कलाकारों ने कोरोना संक्रमण के बारे में बताया। सरन की भोजपुरी गायिका गायत्री ने भी लोगों से अपने अंदाज में लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की अपील की, गायत्री ने इस गीत के जरिए लोगों से घरों में रहकर कोरोना को मात देने का संदेश दिया। पटना जिले के विक्रम थाना में तैनात सिपाही रविकांत ने स्वरचित गीत को स्वर देते हुए आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की। जीतनराम मांझी ने अपने पैतृक गांव गया के महकार में मनाई अंबेडकर जयंती, अपने पति के साथ मनाई 129वीं अंबेडकर जयंती। कोरोना के रोकथाम को लेकर के धनबाद स्वास्थ्य विभाग के पास संसाधनों की कमी देखी जा रही है, जिसे लेकर के झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने क्षेत्र में सामग्री देने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से हैंड सैनिटाइजर और मास्क लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पीएम की घोषणा का स्वागत किया और सभी से लॉकडाउन के पालन करने की अपील की है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी पीएम की घोषणा का स्वागत किया और उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाद्य आपूर्ति की दिक्कत न हो, इसके लिए पंडरा बाजार से खाद्य आपूर्ति की सप्लाई की जा रही है। आज ही पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। लोहरदगा में पीएम का भाषण सुनने के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा। लोहरदगा की सब्जी की दुकानों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है, लोग खुलेआम घूम भी रहे हैं।
बोकारो में गैस सिलेंडर की खुलेआम कालाबाजारी जारी है। पुलिस ने साइकिल दुकानदार को गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते दो लोगों को पकड़ा है। गोड्डा पुलिस ने 77 बोरा चावल के साथ 4 पैकेट नौसादर जब्त किया है और मेहरमा थाना के माल प्रतापपुर के एक दुकान में जन वितरण के चावल की कालाबाजारी के शक में छापेमारी की गई। रामगढ़ में अपराधियों के मंसूबे को रेलवे पुलिस ने भाप करके उनका पीछा किया है, लेकिन वो मौके से भाग गए हैं। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक की ओर आते हुए एक संदिग्ध को देखा था। देवघर के उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से दिखाकर रवाना किया, जरूरतमंदों की मदद के लिए ये गाड़ी आगे रवाना किया गया। राज्य के हिंदपीढ़ी इलाके में देर रात हंगामा हुआ है। रात के अंधेरे में मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची थी और इसकी भनक मिलते ही स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस में जमकर तोड़फोड़। गुस्साए लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर सवाल उठाया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर क्यों चुपके से मरीज को ले जाना चाहता है। लोहरदगा में सामुदायिक किचन के माध्यम से लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। हजारीबाग में चोरों ने एक घर में कैश समेत गहनों की चोरी की। गिरिडीह में एक युवती ने मां से कहासुनी होने के बाद जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि यहां खाने में सब्जी कम मिलने के बाद मां के साथ युवती की कहासुनी हुई थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टोला हरकटो गांव की यह घटना है। गोड्डा से असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट कामेश्वर सिंह कामेश अपने लिखे हिंदी भोजपुरी गजलों के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देवघर की सड़कों पर यमदूत और यमराज घूम रहे हैं। नगर थाना पुलिस की पहल पर यह काम किया जा रहा है। चतरा में क्वारंटीन होम से करीब 100 लोगों को छोड़ा गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद अन्य प्रदेश से चतरा आने वाले करीब 400 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन होम में रखा गया था। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान गौशाला में सैकड़ों गायों के आगे चारे का संकट पैदा हो गया है। शहर के गुरुद्वारा रोड स्थित श्री गोपाल गौशाला में भयावह स्थिति होती जा रही है। हजारीबाग में सब्जी बाजार हो या फिर दवा की दुकानें, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया उड़ रही है। बैंकों में भी कानून की अवहेलना हो रही है। पाकुड़ में लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब जिलावासी टोल फ्री नंबर 1950 पर भी फोन कर कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी को 24/7 साझा कर सकते हैं। रामगढ़ में रजरप्पा स्थित सीसीएल के वर्कशॉप में सैनिटाइजर कक्ष बनाया गया है। सीसीएल प्रबंधन के निर्देशानुसार कामगारों और सीसीएल के पदाधिकारियों के लिए सैनिटाइजर कक्ष बनाया गया। गिरिडीह में लॉकडाउन का पालन करा रही जिला प्रशासन की टीम की हौसला अफजाई की गई। गोड्डा पुलिस ने 77 बोरा चावल के साथ 4 पैकेट नौसादर जब्त किया है। माल प्रतापपुर की एक दुकान में जन वितरण चावल की कालाबाजारी के शक में छापेमारी की गई। रांची शहर के हटिया डैम से किए जाने वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति कटौती की जाएगी। हटिया डैम में 2019 की तुलना में इस बार करीब 10 फीट पानी कम है। जमशेदपुर में विस्टुपर मार्केट में भीषण आग लग गई है और लॉकडाउन की वजह से कई दुकानें यहां बंद थी। सिर्फ हल्की मार्केट खुली हुई थी। दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोहरदगा में एसबीआई के एटीएम में एक सांप घुसने से अफरा तफरी मच गया। सदर थाने के पास एसबीआई के एटीएम केबिन में यह सांप घुसा था। गिरिडीह में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी जिला प्रशासन की टीम का हौसला बढ़ाया गया है। मकतपुर के लोगों ने जिला प्रशासन की टीम पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रामगढ़ के भुरकुंडा इलाके में पुलिस कर्मचारियों का स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने फूलों की बारिश कर अपना आभार जताया। लातेहार स्टेशन के संस्थापक प्रधानाचार्य स्वर्गीय रमेश पाठक की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 14 लोगों ने रक्तदान किया।
बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में झुमरा पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। नक्सली मिथिलेश महतो के दस्ते के साथ सोमवार शाम कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 200 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, कहा 1 सप्ताह तक लॉकडाउन को लेकर ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। पीएम मोदी ने कहा 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं होंगे वो 20 अप्रैल से सशर्त उन्हें छूट दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इलाका फिर से हॉटस्पॉट बना तो छूट वापस भी ली जा सकती है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 1075 हो गई है। अब तक सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 483, राज्य में अब तक 5 की मौत, 47 हुए स्वस्थ। वहीं गुजरात में कोरोना वायरस से 539 लोग संक्रमित, 26 लोगों की जान गई। यूपी के मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई है 5। एक अस्पताल की लापरवाही के कारण नर्स को भी हुआ कोरोना, अस्पताल ने बगैर जानकारी के 2 मरीजों के सैंपल दिल्ली भेजे थे। यूपी के सहारनपुर में 11 और नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 22 नए मामले सामने हैं, 44 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां। एमपी के इंदौर में 22 नए मामले आए हैं सामने। इंदौर में 328 लोग कोरोना संक्रमित हैं। एमपी में कुल मामले 604 हैं, 43 का मौत, 44 लोग स्वस्थ भी हैं। देश में आईसीएमआर ने अब तक 2,17,554 सैंपल किए हैं टेस्ट, 9,352 मामले निकले पॉजिटिव। लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में 11 अप्रैल को इलाज के लिए आए मरीज को हुआ कोरोना, सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल आया था मरीज, अब अस्पताल के 65 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। केदारनाथ यात्रा के लिए केदारनाथ पैदल मार्ग से हटाई गई बर्फ की मोटी परत 29 अप्रैल से शुरू हो सकती है यात्रा। यात्रा पर दिख सकता है कोरोना का भी असर। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 19,21,369 के पार पहुंची। कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1,19,730 तक पहुंच गया, जबकि 4,57,549 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 23,649 तक पहुंच गई। अमेरिका में कोरोना से 5,82,544,308 लोग स्वस्थ भी हुए। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 20,465 तक पहुंच गया। 1,59,516 से ज्यादा संक्रमित है, 35,435 मरीज ठीक भी हुए। फ्रांस में कोरोना मरीजों की तादाद 1,37,877 हुई है, 28,000 लोग ठीक हुए, जबकि 14,986 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 11,347 के पार, संक्रमितों की संख्या हुई 89,571। देश में 313 लोग स्वस्थ होकर के घर लौटे। स्पेन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े, अब तक 17,756 की मौत, 1,70,000 से ज्यादा संक्रमित है। देश में 64,727 से ज्यादा लोग ठीक हुए। जर्मनी में कोरोना के 1,30,072 मामले हैं, 68,200 लोग ठीक होकर के वापस घर लौटे हैं, 3,194 लोगों की मौत। ईरान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 73,303 पहुंचा, 4,585 लोगों की मौत हुई है, करीब 45,983 लोग स्वस्थ होकर के घर लौटे। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,707 हुई, अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है, 1,378 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़े पहले नौसैनिक कोरोना से मौत हुई। पोप फ्रांसिस ने लॉकडाउन के चलते घरेलू हिंसा में आए इजाफे को लेकर के जताई चिंता। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन, पोप ने कहा कि कई महिलाएं फ्रंट लाइन पर निभा रही हैं अहम भूमिका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जरूरत पड़ने पर रक्षा मंत्रालय के संसाधनों का उपयोग करने की बात कही, कहा रूस में स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने महाराष्ट्र सरकार को दिए 25,000 पीपीई किट। कोरोना की जांच में मेडिकल स्टाफ के आएंगे काम, स्वास्थ्य मंत्री राजेश ने मदद के लिए कहा शुक्रिया। क्वारंटीन को लेकर के कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का मजाकिया अंदाज, अजय देवगन स्टाइल में कहा हम तो क्वारंटीन भी वहीं हुए जहां नेटवर्क कम था। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन में लूडो खेलने को असली विजेता बताया।
और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।